दुनिया की 100 दूसरी खबरों पर शुरू करते हैं न्यूज अपडेट। भारत की एनएसजी सदस्यता में फिर रोड़ा अटकाएगा चीन। एनएसजी में गैर एनपीटी सदस्यों की भागीदारी को लेकर नहीं बदलेगा अपना रुख। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान पीओके का गाना बजाया गया, आतंकियों के पोस्टर भी लगाए गए। पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ ये था मैच। शाइनिंग स्टार पंपोर और पुलवामा टाइगर्स के बीच खेला गया था मुकाबला। भारत विरोधी नारेबाजी भी हुई। क्रिकेट मैच के दौरान पीओके का गाना बजाने पर एफआईआर दर्ज, पूछताछ के लिए आयोजकों को बुलाया गया। नौगांव एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि, नम आंखों से दी गई आखिरी विदाई। जम्मू कश्मीर के नौगांव में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी, खराब मौसम की वजह से परेशानी। नौगांव में हुए एनकाउंटर में अब तक 4 आतंकी ढेर, 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद, शनिवार से आतंकियों के साथ चल रहा है एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद, 2 पिस्टल, 40 राउंड गोलियां, पावर बैंक और दूरबीन भी मिले। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का दावा, बडगांव में पुलिस की 4 राइफल लेकर भागा कांस्टेबल, हिजबुल मुजाहिदीन में हुआ शामिल। कश्मीर में आतंकी हमले और हवाला फंडिंग को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की अहम बैठक, अजीत डोवल समेत कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। 3 तलाक के मामले में बैकफुट पर आया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट में दिया नया हलफनामा। नए हलफनामे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील, निकाहनामे में नहीं होगा 3 तलाक का जिक्र, इमामों को भी समझाएंगे, जारी करेंगे एडवाइजरी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निकाहनामे में शर्त डालने का सुझाव दिया, एक बार में पति नहीं देगा 3 तलाक। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, शरीयत और निकाहनामे में 3 तलाक गलत प्रथा, ऐसे किसी नियम की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कोयला घोटाले में 5 दोषियों को सजा का ऐलान कर दिया गया है। पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को 2 साल की सजा और 1,00,000 रुपए का जुर्माना। गलत तरीके से ब्लॉक हासिल करने वाली कंपनी कमल स्पॉन्ज पर 1 करोड़ का जुर्माना। एमडी पवन अहलूवालिया को 3 साल जेल की सजा। पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी केएस क्रोफा और पूर्व निदेशक केसी समारिया को भी 2 साल की सजा, 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया एक और केस, दिल्ली हाईकोर्ट में 10 करोड़ की मानहानि का केस ठोका। राम जेठमलानी ने बढ़ाई केजरीवाल की मुश्किल, कोर्ट में राम जेठमलानी ने जेटली के लिए किया था आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में विशेष अदालत में पेश हुए वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, 29 मई को अगली सुनवाई होगी। एसएल मैक्सिस केस में पूर्व टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन और कला निधि मारन के खिलाफ याचिका दायर, सीबीआई ने केस दर्ज किया। ऑस्ट्रेलिया में फिर एक भारतीय नस्लीय हमले का शिकार हुआ, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। 2 दिन के गुजरात दौरे पर है पीएम मोदी, कच्छ के कांडला में किया रोड शो, लोगों की भारी भीड़ दिखी गई। कांडला में पीएम मोदी ने किया अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन, कहा देश की तरक्की के लिए अच्छे बंदरगाह जरूरी। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी करेगी बड़ा कार्यक्रम, 26 मई से देश भर में 900 जगहों पर होंगे प्रोग्राम्स। मोदी सरकार के 3 साल पर गुवाहाटी से आगाज करेंगे पीएम, देश को बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। तेलंगाना में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का जोरदार स्वागत, पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित, 2019 से पहले पार्टी को मजबूत करने का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने संभाला पर्यावरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, अनिल माधव दवे के निधन के बाद खाली हुआ था पद। कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, कहा देश में हर दिन 35 किसान खुदकुशी के लिए मजबूर हैं। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सोनिया गांधी से की मुलाकात, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी नेता सुशील मोदी का शत्रुघ्न सिन्हा पर ट्वीट, कहा जरूरी नहीं मशहूर शख्स पर किया जाए एतबार, जितनी जल्दी हो गद्दारों को किया जाए बाहर। सुशील मोदी ने लिखा, जिस लालू के बचाव में नीतीश नहीं उतरे उसके बचाव में बीजेपी के शत्रु कूद आए, शत्रुघ्न ने लालू के आरोपों को गलत बताया। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने केजरीवाल के समर्थन में किया ट्वीट, लिखा केजरीवाल जुझारू और वादे के पक्के नेता हैं, बंद होनी चाहिए नेगेटिव पॉलिटिक्स। जेडीयू नेता संजय सिंह ने कहा, नकारात्मक राजनीति के लिए जाने जाते हैं सुशील मोदी, सच बोलने वाले शत्रु को बीजेपी ने हाशिए पर डाला। बीजेपी सांसद परेश रावल का विवादित ट्वीट, पत्थरबाजों को नहीं अरुंधति रॉय को आर्मी जीप से बांधो। यूपी में शराब बिक्री का लाइसेंस देने में करप्शन के आरोप पर हाईकोर्ट में सुनवाई, मायावती अखिलेश राज में बड़े घोटाले का आरोप। याचिकाकर्ता के वकील और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मोहन जैन ने की सीबीआई जांच की मांग, कहा फर्जी कंपनियां बनाकर किया गया था शराब बिक्री लाइसेंस का घोटाला। मथुरा में जारी है डायरिया का कहर, अब तक 12 से भी ज्यादा बच्चों की हो चुकी है मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले आईएएस अनुराग तिवारी के भाई, योगी सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश, गेस्ट हाउस के पास मिला था आईएएस का शव। यूपी के बलिया में अज्ञात बदमाशों ने एसपी नेता की गोली मारकर हत्या की, शादी समारोह से वापस लौट रहे थे सुमेर सिंह। यूपी के फतेहपुर में टोल प्लाजा के कर्मचारियों की गुंडागर्दी, कार चालकों को पीटा, 2 गाड़ियों के आपसी टक्कर के बाद गुस्साए टोल कर्मचारी।
मुरादाबाद के रवि कुमार माउंट एवरेस्ट फतह करने के बाद से लापता है। तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम, परिवार परेशान। यूपी के अंबेडकर नगर में दो मुस्लिम परिवारों के 24 लोग हिंदू धर्म में हुए शामिल। आर्य समाज रीति से अपनाया हिंदू धर्म। अलीगढ़ में 250 दलित परिवारों ने दी हिंदू धर्म छोड़ने की धमकी। दबंगों से विवाद के बाद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। लखनऊ में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, बाइक सवारों ने किया फैसले का स्वागत। फिर विवादों में घिरे कर्नाटक के पूर्व सीएम येदुरप्पा, दलित के घर में होटल से मंगवा कर खाई इडली। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई, बड़ी संख्या में फैंस के आने के बाद प्रशासन का फैसला। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ लेफ्ट का हल्ला बोल, सचिवालय के बाहर जमकर किया हंगामा, पुलिस से भिड़े वामपंथी कार्यकर्ता। कोलकाता में सड़क पर संग्राम, लेफ्ट समर्थक और पुलिस के बीच झड़प हुई, पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर भी लाठीचार्ज किया। मन की बात की तर्ज पर झारखंड के सीएम रघुवर दास भी करेंगे जनता से संवाद। ऑल इंडिया रेडियो से बातचीत 15 अगस्त से होगी शुरुआत। दिल्ली में सामने आया 600 करोड़ रुपए के सोने की तस्करी का मामला, डीआरआई टीम ने स्मगलर से पकड़ा 28 करोड़ का सोना। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर डीआरआई ने जब्त किया 52 किलो सोना, दुबई से तस्करी कर लाया गया था ये सोना। दिल्ली के नरेला में फैक्ट्री की लिफ्ट में फंसने से मजदूर की मौत, पुलिस जांच में जुटी। हरियाणा के रेवाड़ी में नहर में गिरी एम्बुलेंस, लापता एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। भोपाल में बिल्डिंग गिरने से हादसा, एक युवक की मौत, दो घायल, रेस्क्यू का काम जारी। एमपी में अवैध खनन पर सरकार सख्त, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मशीनों से रेत खनन पर पूरी तरह रोक लगाई। एमपी के सतना में जल संकट को लेकर कांग्रेस का जोरदार हंगामा, नगर निगम दफ्तर का घेराव किया, पुलिस के साथ की हाथापाई। एमपी के मुरैना में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के विदिशा में पुलिस वाले की पिटाई हुई, 3 लोगों ने पुलिस वाले को जमकर पीटा, मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में 5 किलो का टिफिन बम बरामद, सर्च के दौरान बीएसएफ को मिली कामयाबी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की 7 दुकानों में भीषण आग लगी, झुलसने से एक महिला की मौत, आग बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ियां। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, बीकॉम फाइनल का पेपर रद्द होने पर सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे, परीक्षा दोबारा नहीं कराने की मांग। राजस्थान के अलवर में मामूली बात पर दो गुटों में मारपीट हुई, 6 लोग जख्मी। राजस्थान के बहरोड़ में पुलिस की दबंगई, न्याय मांगने के लिए थाने पहुंची महिला पर डंडे बरसाए गए, पिटाई में महिला के हाथ पैर टूटे। पटना में अगले 3 दिनों तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, आसपास के शहरों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंचा। पटना में मेडिकल छात्रों पर लाठीचार्ज, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। बिहार के शेखपुरा में 2 गुटों में मारपीट, 8 लोग घायल, पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। बिहार के कटिहार में पूर्व पार्षद को छुड़ाने थाने में घुसी भीड़, नाराज लोगों ने थाने का गेट तोड़ा। बिहार के औरंगाबाद में बस ट्रक में टक्कर, 5 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। झारखंड के गढ़वा में सरकार की नीतियों से युवा नाराज, बेरोजगारी की वजह से नक्सली संगठन में शामिल होने की धमकी दी। छत्तीसगढ़ के बक्सर में 5 साल की बच्ची से रेप, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। दिल्ली में बेटे ने माँ बाप पर की फायरिंग, पिता की मौत, पुलिस को संपत्ति विवाद की आशंका, हिरासत में बेटा। दिल्ली में ढाबे पर खाना लेने गए युवक की हत्या, 2 कर्मचारियों से हुआ था झगड़ा, दोनों आरोपी गिरफ्तार। एमपी के ग्वालियर में आईटीएम के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, परिवार ने हॉस्टल प्रशासन पर लगाया आरोप। राजस्थान के चूरू में पति ने की पत्नी की हत्या, चाय नहीं बनाने पर मौत के घाट उतारा, वारदात के बाद आरोपी ने भी खुदकुशी की कोशिश की। जयपुर में दिल्ली हाईवे पर दुकानों के शटर तोड़कर चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार, 10 से 12 वारदात को दे चुका है अंजाम। गुरुग्राम में गिफ्ट के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक अस्पताल में धमाका हुआ, 24 लोग घायल, अब तक किसी ने भी नहीं ली धमाके की जिम्मेदारी। प्रतिबंध की धमकियों के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने किया नया मिसाइल परीक्षण, नॉर्थ कोरिया का दावा, परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है मिसाइल। चाइना में भीषण बाढ़ से बिगड़े हालात, भारी बारिश की आशंका को देखते हुए जारी किया गया ब्लू अलर्ट। एक युवक पर चाकू से हमले के आरोप में मेक्सिको के कैंकून में एक रशियन सिटीजन पर भीड़ ने किया हमला, पुलिस ने रशियन सिटीजन को बचाया। 146 साल बाद थम गया ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ का सिलसिला, न्यूयॉर्क में हुआ आखिरी शो। फ्रेंच रिवेरा हाईलाइन मीटिंग में जर्मन हाईलाइनर ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, करीब 2000 फीट पर क्रॉस की लाइन। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से रवाना हुई तेजस एक्सप्रेस, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिखाई हरी झंडी। जीएसटी से महंगी नहीं होंगी मोबाइल सेवाएं, इनपुट क्रेडिट घटाने के बाद ही कॉल दरें तय करेंगी टेलीकॉम कंपनीज। दवाओं और स्टेट के बाद अब अस्पतालों की बारी, ओवरचार्जिंग करने वाले अस्पतालों की सरकार ने मांगी जानकारी, सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों को रिपोर्ट देने का आदेश मिला।
ऊपरी स्तर पर बाजार में आई बिकवाली, निफ्टी 9450 के नीचे पहुंचा, सेंसेक्स 106, निफ्टी 10 अंक चढ़कर बंद। टीम इंडिया के कोच कुंबले ने ग्रेड ए खिलाड़ियों के लिए 150% सैलरी बढ़ाने की मांग की, सीओए से की सिफारिश। तीसरी बार आईपीएल की विजेता बनी मुंबई इंडियन टीम ने जमकर जश्न मनाया, ड्रेसिंग रूम में रात भर टीम ने सेलिब्रेट किया। जीत के बाद सिद्धिविनायक पहुंची आईपीएल ट्रॉफी, टीम के मालिक अनंत अंबानी ने मंदिर में ट्रॉफी के साथ किया भगवान का शुक्रिया। आईपीएल चैंपियन बनने से सिर्फ एक रन से चूकने पर बोले स्टीव स्मिथ, हार से हूं काफी निराश, हार को पचाना आसान नहीं। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु की जीत के बावजूद सुधीर रमन कप में भारत की हार हुई है, मिक्स टीम चैंपियनशिप में डेनमार्क ने भारत को 4-1 से हराया। फ्रेंच ओपन के लिए पूर्व स्टार टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी होंगे नोवाक जोकोविच के कोच, जोकोविच ने कहा अभी लंबे करार के लिए नहीं हुई है बात। रियल मैड्रिड ने एक बार फिर जीता स्पैनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का खिताब, जीत के बाद मैड्रिड शहर में टीम का जोरदार स्वागत। बॉलीवुड में एक और देओल की एंट्री, सनी देओल के बेटे ने अपनी पहली फिल्म की शूटिंग शुरू की, सिल्वर स्क्रीन पर माफिया क्वीन के रोल में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण, विशाल भारद्वाज के साथ पहली बार काम करने को लेकर एक्साइटेड है। कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर नजर आया सोनम कपूर का बेहतरीन अंदाज, ब्लश कलर के एलिसाब गाउन में दिखी सोनम। मुंबई में फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड की सक्सेस पार्टी हुई, श्रद्धा अर्जुन समेत सभी शामिल हुए। अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म तेजू में दिखेगा कंगना रनौत का अलग अंदाज, 80 साल की बुजुर्ग महिला का किरदार निभाएंगी, फिल्म का डायरेक्शन भी खुद करेंगी कंगना।